Hello everyone, welcome to Learning Spot by Mehak. So today we are going to cover part 5 of NTA UGC NET series, जहाँ पे हम paper 2 commerce के 10 most important MCQs करेंगे for 2023 and 2024, जहाँ पे हम previous year questions भी इसमें cover कर रहे हैं, ठीक है? अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब लर्निंग स्पॉट बाय महक. सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑफ कैश फ्लो इज इंक्लूडेड? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज या ऑल ऑफ द अबव? आई थिंक ये आपको सबको आता होगा. आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन एंड रीजनिंग का है. मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू मैनेजमेंट ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी. ये बिल्कुल करेक्ट है. वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना मतलब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को मैनेज करना. रीजन इसका रीड करते हैं, वर्किंग कैपिटल इज एन इंडेक्स ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ अ कंसर्न. नो, रीजन बिल्कुल इनकरेक्ट है. तो इसका आंसर आएगा हमारा A is correct but R is incorrect. ठीक है, the aim of management of working capital is to ensure that a firm is able to continue its operation and that it has sufficient ability to satisfy both maturing short term debt and upcoming operational expenses. ठीक है, तो working capital को manage करना मतलब यही है कि हम एक तरह से short term debt जो mature हो रहे हैं उसको pay करने की हमारे में ability है या नहीं है, या जितने भी हमारे operational expenses हैं, आने वाले expenses हैं, उन्हें हम cover कर सकते हैं नहीं कर सकते, इतना पैसा हमारे पास available है या नहीं. ठीक है, तो management of working capital involves managing inventory, account receivable, payable and cash. It ensures that a company operates efficiently by monitoring and using the current asset and liability to the best effect. A company's working capital is made up of its current assets minus current liability. ठीक है, तो reason is not correct explanation for the assertion. Now next question, the residual theory of dividends suggests that dividends are dashed to the value of firm. Residual, relevant, irrelevant या integral? तो इसका correct answer है irrelevant. ठीक है, residual theory के according जो हमारे dividends है उसका वो irrelevant है to the value of firm. ठीक है, the theory of residual dividend policy state that at any time if the business can find no further profitable investment then they should return any spare cash available to the shareholder so that the shareholder may use the cash to invest in other projects that they believe will be profitable. It ensures that cash is effectively distributed towards the profitable investment. This theory suggests that dividends are irrelevant to the value of firm. ठीक है, तो ये हमारी residual dividend theory है. ठीक है, उसके according जो dividends है वो irrelevant है to the value of firm. और ये important question है, और ये हमारा business finance से question है. Now next question, which one is not an international organization? SAARC, SM, Asian या CBDT? अगर आपको साफ साफ यहाँ पे पता है, इनकम टैक्स आपने पढ़ा है, तो CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस हमारी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है, बाकी सारी हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है. तो इसका करेक्ट आंसर है डी. ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस. और इसमें ये जो चारों ऑर्गेनाइजेशन है इनकी आपको फुल फॉर्म पता होनी जरूरी है, ये चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं.
ठीक है, तो सार्क की हमारी फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ये एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जियो पॉलिटिकल यूनियन ऑफ स्टेट्स इन द साउथ एशिया। और एसएम हमारी है एशिया यूरोप मीटिंग, ये भी एक हमारी इंटर गवर्नमेंटल प्रोसेस है जो एस्टेब्लिश हुई है 1996 में टू फोस्टर डायलॉग एंड कॉपरेशन बिटवीन द एशिया एंड यूरोप। और नेक्स्ट हमारी एशियन, ये भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, तो इन चारों के आप फुल फॉर्म आप एक अच्छे तरीके से याद रखिए, ठीक है, इनके आने के चांसेस ज्यादा हैं और इसमें से भी एक क्वेश्चन कंफर्म आता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटरनेशनल ट्रेड, ट्रेड बिटवीन प्रोविंसेस, ट्रेड बिटवीन रीजन्स या ट्रेड बिटवीन कंट्रीज या बोथ बी एंड सी। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी, ट्रेड बिटवीन कंट्रीज को हम इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन कंट्रीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर कैपिटल अवेलेबिलिटी इज अनलिमिटेड एंड द प्रोजेक्ट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव फॉर द सेम कॉस्ट ऑफ कैपिटल, द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज यूज्ड, नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स या डी ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा मेंशन ही है डी, एनी ऑफ द अबव। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी बिजनेस फाइनेंस का हमारा क्वेश्चन है जहाँ पे कैपिटल अवेलेबिलिटी हमारे पास अनलिमिटेड होती है और प्रोजेक्ट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होते, तो हम कौन सा क्राइटेरिया यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इनमें से कोई भी हम यूज कर सकते हैं मेथड। ठीक है, वेयर द कैपिटल अवेलेबिलिटी इज अनलिमिटेड एंड द प्रोजेक्ट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव फॉर द सेम कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एनी ऑफ दीज क्राइटेरिया can be used, all three criteria are equivalent and the ranking of project might differ according to three different criteria, but that is immaterial as the decision is merely related to accepting or rejecting a project. When NPV is greater than zero, tab hum apna project jo hai accept kar sakte hain, IRR will be greater than cost of capital and profitability index will be greater than unity. Theek hai, to ye teen hamare मेथड्स हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ वाई वेरिएबल, द स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एक्स वेरिएबल या स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई वेरिएबल। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई वेरिएबल। ठीक है, तो ये हमारा बिजनेस स्टैट में से क्वेश्चन है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर यूज्ड इन स्टैटिस्टिक्स टू मेजर हाउ स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप इज बिटवीन टू वेरिएबल्स। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट गिव अस रिलेशनशिप स्ट्रेंथ एंड लार्जर द नंबर द स्ट्रॉन्गर द रिलेशनशिप एंड द मोस्ट कॉमन कोरिलेशन कोएफिशिएंट जनरेटेड बाय पियर्सन प्रोड्यूस मूवमेंट कोरिलेशन मे बी यूज टू मेजर लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस द स्क्वायर रूट ऑफ मीन स्क्वायर्ड एरर इज कॉल्ड
मल्टीपल कोरिलेशन कॉफिशियंट, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेशन, कॉफिशियंट ऑफ डिटर्मिनेशन या नन ऑफ दीज? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए, मल्टीपल कोरिलेशन कॉफिशियंट। तो ये आपको याद रखना है, जहां पे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस आ जाए वहां पे मल्टीपल कोरिलेशन कॉफिशियंट आएगा, ठीक है। द स्क्वायर रूट ऑफ मीन स्क्वायर्ड एरर इज कॉल्ड मल्टीपल कोरिलेशन कॉफिशियंट। Now last question, which of the following is the graphical representation of data? Histogram, polygon, both A and B या pictogram? अगर आपको pictogram पता है तो यहाँ पे picture forms में हम data present करते हैं, histogram और polygon में हम graphical representation करते हैं। तो इसका correct answer है हमारा C, both A and B. The data represented in the form of graph is called graphical representation of data. Histogram is a graphical representation of frequency distribution of continuous series. And polygon is another form of graphical representation. It is formed by joining midpoints of top of all rectangle in the histogram. ठीक है? हम इसे frequency polygon भी बोलते हैं। Now, thank you. अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लर्निंग स्पॉट बाय महक।